हेलो दोस्तों, एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सेवंथ नंबर प्रश्न को, क्योंकि सिक्स तक आपके हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो वह देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का सातवां प्रश्न करते हैं। इसमें कह रहा है कि ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस टू के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका ए कैप निकालना है। ए कैप निकालने के लिए ए वेक्टर बटे ए का मापांक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए का मापांक निकाल देता हूं। ए का मापांक क्या आएगा, आई के गुणांक का वर्ग, एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद एक का वर्ग एक प्लस एक प्लस दो दूनी चार, चार और दो छह, अंडर रूट छह आ गया है। इसके बाद ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, आई कैप आप अपनी बुक ओपन करके देख सकते हैं प्रश्न को, वैसे मैंने आपको प्रश्न पहले ही दिखा दिया है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, अब इसका भाग है इसके साथ अंडररूट सिक्स अंडररूट सिक्स अंडररूट सिक्स। ठीक है, तो ये आपका आया सातवें प्रश्न का आंसर के अनुदिश एक मात्रक सदिश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एट नंबर। एट नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः ये दे रखे हैं। तो पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, इससे पहले हमको पी क्यू निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू निकालते हैं। सबसे पहले पी क्यू निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी कि क्यू का स्थिति सदिश और पी का स्थिति सदिश। तो ओ क्यू कैसे निकलेगा, ओ क्यू जो इसके पॉइंट हैं क्यू के, चार आई कैप प्लस पांच जे कैप प्लस छह के कैप, इसी तरह ओ पी, ओ पी भी इसी तरह आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। अब हमको निकालना है पी क्यू, तो ओ क्यू माइनस ओ पी लगा देते हैं फॉर्मूला। ओ क्यू है हमारा चार आई कैप प्लस पांच जे कैप प्लस छह के कैप माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। अब क्या करेंगे, चार में से एक जाएगा तो बचेगा तीन आई कैप, पांच में से दो घटाया जाएगा तो बचेगा प्लस के तीन जे कैप, और छह में से जब तीन घटाएंगे तो तीन के कैप आएगा यहाँ, वो भी प्लस का। तो ये आपका आंसर अभी नहीं आया, ये कह रहा है पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश। तो इसका हमें पी क्यू कैप निकालना है, तो पी क्यू वेक्टर बटे पी क्यू का मापांक। तो सबसे पहले हम पी क्यू का मापांक निकाल लेते हैं, आई के गुणांक का वर्ग, तीन का वर्ग प्लस तीन का वर्ग प्लस तीन का वर्ग। तो आपका क्या आ जाएगा, तीन तिया नौ प्लस नौ प्लस नौ, यानी तीन नौ तिया सत्ताईस। अब हम क्या करेंगे, तीन बट्टे सत्ताईस आई कैप प्लस तीन बटे सत्ताईस जे कैप प्लस तीन बटे सत्ताईस के कैप, वो भी अंडर रूट में है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए नौ नंबर का क्वेश्चन है, दिए हुए सदिश ए और बी वेक्टर के लिए सदिश ए बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी प्लस कर देना है और फिर उनके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। इसके बाद मैं करूंगा टेंथ नंबर का प्रश्न कि सदिश पांच आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण आठ इकाई है। तो हमें क्या करना है, ये जो सदिश है, ये सदिश को मान लेते हैं ए, सदिश ए पांच आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। अब क्या करेंगे हम, इसमें इसमें हमको करना होगा
ए वेक्टर निकालना है, सॉरी ए कैप निकालना है हमें, और इसका 8 की मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, तो ए कैप कैसे निकलेगा, 8 की मल्टीप्लाई तो है ही, गुणा है, फिर ए सदिश ए बटे सदिश ए का मापांक, और हमें क्या करना है, मापांक निकाल लेना है। मापांक आपको निकालना आता है आई के गुणांक का वर्ग 5 पूरे 25 प्लस जे के गुणांक का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, एक ही हो जाएगा 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, तो 25 और 1 26 और 4 30, अंडर रूट 30, तो ये आपका हो जाएगा 8 × 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बटे अंडर रूट 30। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सम में 8 से और डिवाइड बाय अंडर रूट 30 कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।